हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के नुस्खे, घरेलू नुस्खे, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ इसको देखने के बाद आप लोग को पसंद आएगी, जो डेली हमारे काम में इस्तेमाल होती है। हमारी मेहनत बच जाएगी, काम बच जाएगी और समय ही समय होगी, और बिना खर्चे के, बिना मेहनत के और फ्री की टिप्स एंड ट्रिक्स से जरूर वीडियो में बने रहिए और आप लोग के प्यार देते रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहला टिप्स देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे शहद ले आई, शहद की पूरी बॉटल ले आई और फ्रिज के पास में खड़ी हूँ। फ्रिज के अंदर में शहद रखने जा रही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं फ्रिज के अंदर देखिए शहद नहीं रखूंगी। इसकी बहुत ही सारे रीजंस है दोस्तों। देखिए, मैं यहाँ पे पूरा फुल बॉटल, जब फुल डिब्बा शहद लेकर आई हूँ, और इस शहद को कहाँ पर रखना है ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फ्रिज के पास आई हूँ फ्रिज में रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे रखना नहीं है। रीजन तो बहुत है और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है शहद, अगर हम फ्रिज में रखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं शहद खोल रही हूँ। शहद बहुत ही मीठा होता है और बहुत ही चिपचिपा हो, जो स्टिकी होता है शहद, इतना पानी नहीं होता है और इतना भी ये हार्ड नहीं होता है। इस तरह की शहद होती है जो हमें हर काम में इस्तेमाल होती है, खाने से लेकर लगाने तक और सारे काम में हम शहद को इस्तेमाल करते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक फ्रिज में रखने का डिमेरिट्स ये है कि फ्रिज में रखने के बाद शहद बहुत ही बैठ जाता है, यानी कि बहुत ही हार्ड बन जाती है, और जब भी हम तुरंत शहद को काम पे लगाते हैं तो ये लगता नहीं, ये निकलता भी नहीं। तो आइंदा शहद को फ्रिज में मत रखिए, इसको रखने से इसकी टेस्ट भी चेंज हो जाती है और कलर भी चेंज हो जाती है, जो इसकी औषधीय गुण कम हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स। नेक्स्ट वाला हैक्स में यहाँ पे कपड़े को लेकर है। देखिए दोस्तों, हम अक्सर आए दिन हमारे कपड़े हम साफ करते हैं, वॉशिंग मशीन में साफ करते हैं। ऐसे कि एक एक कपड़ा हम तो साफ नहीं करते, दो तीन दिन में एक बार बहुत सारे कपड़े डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में, और हमारे कपड़ों में से बहुत सारे कपड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कलर की होती है, तो हम एक साथ सारे कपड़े डालते हैं जो तरह तरह के कलर की होती है। इससे एक देखिए, यहाँ पे मैं ये मशीन की ये बॉक्स खोल दी और इसमें मैं डिटर्जेंट डाल रही हूँ। आप लिक्विड भी इस जगह पे डाल सकते हैं। और डिटर्जेंट जब भी मैं डाल रही हूँ, इसके साथ और एक चीज आज डालेंगे जिससे हमारे कपड़ों की बहुत ही मदद हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं डिटर्जेंट के साथ सर्फ के साथ थोड़ी सी चीनी एक चम्मच डाल रही हूँ। डालने की मकसद ये है कि देखिए, जब भी हम कपड़े साफ करते हैं, आए दिन कोई ना कोई कपड़ों से रंग निकलता जाता है और दूसरे कपड़े में लग जाती है। जो गाढ़ा रंग नहीं तो हल्का रंग लग ही जाती है, तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है बाद में, रंग निकलता नहीं। थोड़ा सा चीनी डाल देंगे इसमें तो ये रंग अगर भी निकलेगा तो एक दूसरे के कपड़े में नहीं लगेगी और सारे कपड़े एक साथ अच्छे से साफ हो जाएगी और अपने रंग अपने पास ही रहेगी और हमें परेशानी होने की जरूरत नहीं है और नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स। नेक्स्ट वाला हैक्स, यहाँ पे ले आई एक मैंने चाय पत्ती की डिब्बा, जो हम चाय पीते, चाय पत्ती मैंने यहाँ पे निकाल दी, और ये चाय पत्ती की पैकेट है, कवर है इस तरह की, ये जो कार्टून वाला कवर होता है, तो इस कार्टून वाले कवर से उसका जो अंदर वाला कवर है जो फॉइल की बनती है, देखिए ये फॉइल वाले कवर यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, इससे निकाल रही हूँ खींच के। तो देखिए, इस फॉइल वाले पैकेट को आप अपने हिसाब से बड़ा ले सकते हैं, नहीं तो छोटा ले सकते हैं। मेरे पास इस साइज की पैकेट की चाय की पैकेट है, और इसके अंदर जिस साइज की कवर होती है वही मैंने यहाँ पे ला दी। तो इसको देखिए, अपने हिसाब से आप उसका मुंह निकाल लीजिए, काट लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मुंह काट ली, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मुंह काट ली, इसकी मुंह निकाल दी। और यहाँ पे देखिए, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सोप, जो हमारे सोप, हम बॉडी सोप लगाते हैं, बहुत ही खुशबूदार सोप लगाते हैं, जो आप नहाने में साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो वही साबुन में कद्दूकस करके ग्रेटर में यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े में ग्रेट कर ली थी। तो यहाँ पे इसमें डाल दी और इस देखिए पैकेट को इस तरह से मोड़ के अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। आपके हिसाब से आप बड़ा छोटा पैकेट ले सकते हैं, नहीं तो इसको भी काट के छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, एक सेफ्टी पिन ला रही हूँ और सेफ्टी पिन की मदद से इसको मैं लॉक कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें स्टैपलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी झंझट नहीं है। अगर सेफ्टी पिन है तो ये काम फटाफट हमारे हो जाएगी, बाद में हम निकाल के सेफ्टी पिन को भी निकाल सकते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं साबुन डाल दी, आप अपने हिसाब से कोई खुशबूदार साबुन डाल दीजिए। और यहाँ पे मैं कैंची की मदद से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छेद कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा थोड़ा मैं होल कर रही हूँ। देखिए, इस जो फॉइल पेपर जो पैकेट है हमारी, पैकेट को थोड़ा थोड़ा काट रही हूँ। काटने की मकसद ये है कि दोस्तों, जब भी हम इसमें कुछ, मैंने यहाँ पे खुशबूदार साबुन मैंने डाला है जो हम नहाने के टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से खुशबू निकलती ही रहे। तो देखिए, यहाँ पे मैं काट के छोटा छोटा होल बना ली, जो छोटे छोटे छेद बना ली, इसी छेद के जरिए ये देखिए ये साबुन हमने यहाँ पे ले आई। यहाँ पे हमने टॉयलेट फ्लशर के पास आ गए, जो हमारी बॉक्स होती है,
यहाँ पे मैंने देखिए पानी के अंदर इसमें डाल दी। देखिए ये पानी के अंदर यहाँ पे डालने से ये होता है कि जब भी हम टॉयलेट वगैरह करते हैं उसके बाद देखिए एक जो पानी हम फ्लश करते हैं, इस फ्लश की मदद से जो साबुन का पानी है, खुशबूदार साबुन की पानी हो वो आ जाए। और अक्सर ये होती है कि हमारे टॉयलेट में थोड़ी स्मेल रहती है, हम जितना भी कुछ इसके अंदर रखें टॉयलेट करने के बाद थोड़ी बहुत स्मेल रहती है, तो ये स्मेल नहीं आएगी। और बार बार जब भी हम वॉशरूम खोले तो देखिए कितना साफ हो गया। अगर ये टॉयलेट हमारा गंदा है फिर भी वो साफ हो जाएगी और खुशबूदार पानी, झाग वाली पानी आएगी, तो टॉयलेट जो हमारी ऐसे स्मेल नहीं करेगी। जितना कुछ हम फ्रेशनर रखते हैं फिर भी टॉयलेट करने के बाद गंदी स्मेल आती है, तो स्मेल नहीं आएगी। जब भी हम वॉशरूम जाएंगे तो हमें फ्रेशनेस फील होगी, ये साबुन की जो खुशबू है चारों तरफ फैल के रहेगी। आई थिंक ये वाला टिप्स आपको पसंद आए, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स। नेक्स्ट वाला हैक्स यहाँ पे देखिए, गर्मी के मौसम में अक्सर हम मटका इस्तेमाल करते हैं, तो मटके इस्तेमाल जब भी करते हैं, जब भी नया मटका हम बाजार से लेते हैं, नहीं तो पुराने मटके में मटका निकाल के पानी रखते हैं, थोड़ा सा काम करे। पहले मटके के अंदर हम स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा नमक ले और नमक को अच्छे से रगड़ ले इसके अंदर। करने का मकसद ये है कि दोस्तों जब भी नया मटका लाते हैं उसके अंदर कीड़े वगैरह रहती है और मिट्टी की डस्ट रहती है, सब कुछ रहती है, तो नमक जो काम होता है वो क्लीनिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मटके के अंदर जितने भी जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होती है, नमक की वजह से ये सारे छेद अच्छे से कवर हो जाएगी और कीड़े वगैरह मर जाएंगे, जो डस्ट वगैरह वो निकल जाएगी। करने के बाद इसके बाहर की साइड को भी हम थोड़ा साफ कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़े बीम लिक्विड में कुछ में जो क्लीनिंग होता है उसमें से स्कॉच ब्राइट में लगा के इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। ये बाहर का हिस्से को आप अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि बाहर के हिस्से में भी डस्ट वगैरह होती है। और इसको अच्छे से साफ करने के बाद हम इसमें पानी भरेंगे, तभी जाके हम एक दो दिन प्रोसेस के बाद हम पानी पीते। गर्मी के मौसम में ये मटके साफ करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे मटका ला के तुरंत पानी डाल के कुछ मत कीजिए, कीड़े वगैरह रहती है, डस्ट वगैरह हमारी पेट में जाएगी और तबीयत खराब होगी। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और किचन और घर को साफ सुथरा रखिए, बच्चे और फैमिली बहुत ही हेल्दी रहेंगे। आई होप आज का टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को पसंद आए। पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिए, और इनमें से कौन सा पसंद आया आपको और कौन सा आप पहले जानते थे प्लीज कॉमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं कल के अच्छे वाले नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।